एक बार एक महिला ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा आप अंडे कितने का बेच रहे हैं बूढ़े विक्रेता ने जवाब दिया डॉलर जीरो प्वाइंट फंसा का एक अंडा मैडम महिला ने उस बूढ़े विक्रेता से कहा मुझे दो प्वाइंट पचास डॉलर के लिए छह अंडे दो नहीं तो मैं नहीं लूंगी बूढ़े विक्रेता ने जवाब दिया आप इसे अपने मनचाहे दाम पर लीजिए हो सकता है कि यह मेरे लिए एक अच्छी शुरुआत हो क्योंकि मैं आज एक भी अंडा नहीं बेच सका और मुझे जीने के लिए इसकी जरूरत है उसने अपनी मनचाही कीमत पर अंडे खरीदे और इस भावना के साथ कि वह जीत गई वह अपने खूबसूरत कार में बैठी और अपने दोस्त के साथ एक पॉश रेस्तरा में गई उसने और उसकी सहेली ने आर्डर दिया जो वे चाहते थे उन्होंने थोड़ा खाया और जितना उन्होंने मांगा था उसमें से बहुत कुछ छोड़ दिया इसके लिए उन्होंने चेक का भुगतान किया यह डॉलर चार था महिला ने डॉलर पांच दिए और पौष रेस्तरां के मालिक को पैसे को टिप के रूप में रखने के लिए कहा यह कहानी लग्जरी रेस्तरां के मालिक को बहुत सामान्य लग सकती है लेकिन अंडा विक्रेता के लिए बहुत अनुचित है प्रश्न है हमें हमेशा यह दिखाने की आवश्यकता क्यों है कि हमारे पास शक्ति है जब हम जरूरतमंदों से कुछ खरीदते हैं और हम उन लोगों के साथ उदार क्यों होते हैं जिन्हें हमारी उदारता की आवश्यकता भी नहीं है एक बार मैंने कहीं पढ़ा था